मैं डॉक्टर संतोष राय, मोटिवेशनल स्पीकर एंड कॉमर्स गुरु, आपका अपना, आपके बीच का, आप जैसी सोच रखने वाला। आज 5 अगस्त 2020, आज अयोध्या में श्री राम मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन आदरणीय श्री प्रधानमंत्री जी के हाथों होना है। श्री राम भगवान से मर्यादा पुरुषोत्तम राम भगवान कहलाने में उनका संघर्ष, 14 वर्ष का वनवास, उस दौरान कुछ अच्छे वन बानर और लोगों से मित्रता, हर गलत असत्य बात का संयम से विरोध और रावण जैसे बलशाली राजा पर विजय, यहां से उत्पन्न होता है असत्य पर सत्य की विजय। श्री राम भगवान के संघर्ष को 2-3 मिनट में समेटना किसी के लिए भी संभव नहीं है। हां, 2 बातें जरूर मालूम चलती हैं। पहली बात, सत्य के जीतने में भले देर हो सकती है लेकिन जीतता जरूर है। और दूसरा, जो आप यूथ के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, संघर्ष तो भगवान को भी करना पड़ता है, तब कहीं जाकर के कुछ बेहतर यात्रा तय होती है। चलो कुछ और बातें आज करते हैं। स्वर्गीय पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर अब्दुल कलाम जी को मिसाइल मैन कहा जाता है। क्यों कहा जाता है जरा सोचना। क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी को कैप्टन कूल कहा गया। क्यों कहा गया जरा सोचना। सौरभ गांगुली को बंगाल टाइगर कहा गया। क्यों कहा गया जरा सोचना। क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर को मास्टर ब्लास्टर क्यों कहा गया जरा सोचना। आज सोचने के लिए आपको मजबूर जरूर करूंगा। स्वर्गीय ध्यानचंद जी को हॉकी का जादूगर कहा गया, इसे भी सोचना। जरा सोचना, समझना और इन महान संघर्षशील लोगों के बारे में पढ़ना। पढ़ने का मन नहीं करता, रात को लेट सोता हूं सर, सवेरे लेट उठता हूं सर, ज्यादातर समय मोबाइल में, उसके गेम में बीत जाता है। तो कैसे संभव है कि आपके सपने पूरे होंगे, ये भी जरा सोचना। अरे आप जरा जानो तो किसी अच्छे डॉक्टर के डॉक्टर बनने का संघर्ष, अरे जानो तो सीए के सीए बनने का संघर्ष, किसी व्यवसायी के व्यवसायी बनने का संघर्ष, किसी सफल उद्योगपति के उद्योगपति बनने का संघर्ष, किसी अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर के मोटिवेशनल स्पीकर बनने का संघर्ष, अरे जानो तो किसी भी सफल व्यक्ति की कहानी उसके संघर्ष से ही प्रारंभ होती है मेरे दोस्त, और विपरीत परिस्थितियों में उसका संयम काम आता है। अंत में इतना ही कहना चाहूंगा कि सोचने से कुछ नहीं होता, कुछ करना पड़ता है और कुछ करने के लिए निर्णय लेना पड़ता है। बिस्तर पर लेटकर न तैराक बन सकते आप, न व्यवसायी बन सकते आप, न उद्योगपति, न डांसर, न खिलाड़ी, न समाज सेवी, मतलब कुछ नहीं बन सकते। आज ध्यान से सोचिए और कहानी मत सुनिए, स्वयं की एक कहानी बनाइए जिसे लोग एक दूसरे के सामने सुनाए। ऑल द बेस्ट, गुड लक। अगर मेरी ये बातें आपको कहीं से भी मोटिवेट करती है, प्रेरित करती है, तो इस तरह की खूबसूरत बातें सुनने के लिए मेरे YouTube चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। ऑल द बेस्ट, गुड लक।